नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं ऋचा वर्मा और अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के जिला बिजनौर स्थित धामपुर की, जहां तहसील सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। समाधान दिवस में जिलाधिकारी उमेश मिश्रा मौजूद रहे। संपूर्ण समाधान दिवस में कुल 70 शिकायतें दर्ज हुई, जिनमें 38 राजस्व विभाग, 15 पुलिस विभाग, 5 विकास विभाग, 5 विद्युत विभाग, 2 विनिमय क्षेत्र, 1 PWD विभाग, 1 आबकारी विभाग, 1 गन्ना समिति, 1 चिकित्सा विभाग, 1 सिंचाई विभाग की शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 6 शिकायतों का मौके पर निस्तारण भी करा दिया गया। शेष शिकायतों के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए। जिलाधिकारी ने सभी को COVID-19 के प्रोटोकॉल का पालन करने के सख्त निर्देश देते हुए कहा, सबसे मूल है कि मास्क का कोई विकल्प नहीं है, मास्क आप लोग अवश्य लगाएं। आप क्यों नहीं लगा रहे हैं भाई मास्क, आप मिला नहीं क्या? क्यों भाई ऐसा क्यों आप कर रहे हैं? तो मास्क आप लोगों को यही बचाएगा, यदि आप लोग मास्क लगाए रहेंगे तो आप चूंकि समाज में और लोगों को आप लोग अधिकारी हैं, यदि आप लोग ही नहीं लगाएंगे तो आपके नीचे वाले स्टाफ वाले कैसे लगाएंगे और समाज के और लोग कैसे लगाएंगे कि हाँ सोचेंगे सारे लोग मुंह खोल के घूम रहे हैं तो हमको क्या प्रॉब्लम है। तो ये हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग खुद पहले नियमों का पालन करें, तब हम दूसरों को समझा पाएंगे, कह पाएंगे। तो दूसरी बात यह है कि यदि कोई भी कर्मचारी ऐसा है जिसको वैक्सीन नहीं लगी है तो सबको तत्काल लगवा दें, अन्यथा जो HOD होंगी उनकी जिम्मेदारी होगी। आप जाकर के आज ऑफिस में इसको सुनिश्चित कर लिए, कोई भी कर्मचारी कोई भी अधिकारी ऐसा बचा है कि जिसकी फर्स्ट डोज या सेकेंड डोज या दोनों डोज नहीं लगी है तो उनको तत्काल लगवाना सुनिश्चित करें आप लोग, इसमें कोई लापरवाही नहीं होती। तहसील दिवस धामपुर के अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी विजय कुमार गोयल, उप जिलाधिकारी धामपुर विजय वर्धन तोमर सहित पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। और इसी के साथ जुड़े रहे बंधन समाचार के साथ।